हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एम एस चौहान वीडियो सॉल्यूशन सीरीज। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन 91 टू 100 ऑफ लेवल 1। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 91 अपने पास दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर एसिटोफिनोन। तो एसिटोफिनोन का स्ट्रक्चर क्या होता है अपने पास में, पीएच सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री की बेंजीन रिंग से एसिटाइल ग्रुप का अटैचमेंट हो जाए, तो इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं अपन, एसिटोफिनोन। अब अपन वन बाय वन सारी रिएक्शंस देखेंगे कि किसमें अपने पास एसिटोफिनोन प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो फर्स्ट रिएक्शन ए में हमारे पास दिया हुआ है बेंजीन रिंग, तो बेंजीन सी सिक्स एच सिक्स के साथ में रिएक्शन हो रही है। अब हमारे पास यहाँ पर सी एस थ्री सी ओ सी एल इन प्रेजेंस ऑफ ए एल सी एल थ्री, ए एल सी एल थ्री क्या है यहाँ पे लुइस एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन में किस तरह से रिएक्शन होगी कि हमारे पास यहाँ पर सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, ठीक है, ये ए एल सी एल थ्री के साथ में रिएक्ट करेगा, तो यहाँ से जो क्लोरीन फ्री रेडिक ये सी एल माइनस के फॉर्म में निकल के ए एल सी एल थ्री पे अटैक कर जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा सी एस थ्री सी डबल बॉन्डो प्लस ये एसाइल कार्बोकोटाइन बन जाएगा और ए एल सी एल फोर माइनस, ठीक है। अब ये जो एसाइल कार्बोकोटाइन का फॉर्मेशन हुआ है इसका अटैक किस पे होगा, इस बेंजीन रिंग पे अटैक होगा, और यहाँ पर कौन सी मैकेनिज्म होगी, ये होगी फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है, फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन होगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या प्रोडक्ट बनेगा अपने पास, यहाँ पर ये प्रोडक्ट हो जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री, और ये सिमिलर है किसके, एसिटोफिनोन के, यानी फर्स्ट रिएक्शन में एसिटोफिनोन बन रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन में अपने पास कैल्शियम सॉल्ट दिए हुए फैटी एसिड्स यानी कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, तो अपने पास इनिशियली जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है पी एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ, अपने पास सिमिलरली यहाँ पर पी एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी ए, ठीक है। और दूसरा अपने पास क्या दिया हुआ है, दूसरा अपने पास दिया है एसिटिक एसिड का फैटी सॉल्ट कैल्शियम सॉल्ट, तो यहाँ पर इस तरह से इसको बना दिया। अब इसको जब आप हीट करेंगे इन दोनों फैटी एसिड्स को, तो दोनों ही केस में अपने पास क्या होगा, सी ए सी ओ थ्री रिमूव हो जाएगा, सी ए सी ओ थ्री यहाँ से भी रिमूव हो जाएगा। अब अपने पास में यहाँ पर देखें तो ये सी एस थ्री कहाँ कहाँ अटैक कर सकता है, एक बार इस कार्बन पर अटैक कर सकता है जो भी अपने पास मिलेगा, या इस कार्बन पर अटैक कर सकता है। तो अपने पास सेल्फ प्रोडक्ट अपन पहले बना लेते हैं, सेल्फ प्रोडक्ट यानी इसी से जो बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पर सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री, इसी तरह से ये सेल्फ प्रोडक्ट बनेगा, क्या बन जाएगा, पी एच सी डबल बॉन्ड ओ पी एच, ये दोनों सेल्फ प्रोडक्ट्स हैं कि जो अपने पास फैटी एसिड दिया हुआ था उसी से ही बन रहे। बट अब देखें अपन कि यदि ये सी एस थ्री यहाँ पे आके अटैच हो जाए और ये पी एच यहाँ पे आके अटैच हो जाए, तो दोनों ही केस में अपने पास क्या होगा, ये प्रोडक्ट सेम मिलेगा, सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ पी एच, ठीक है, जो कि क्या है, एसिटोफिनोन है, ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है। और इस तरह की रिएक्शंस में हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वही क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है हमेशा, ठीक है। तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट का बनाना है जब हमारे पास दो डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कैल्शियम सॉल्ट दिए होंगे, तब हमें क्रॉस प्रोडक्ट बनाना है। क्रॉस प्रोडक्ट ही क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, यानी सेकेंड रिएक्शन में भी अपने पास क्या आ रहा है, यहाँ पर एसिटोफिनोल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन जो अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर साइनोहाइड्रिड पी एच सी ट्रिपल बॉन्ड एन दिया हुआ है, तो सी रिएक्शन में अपने पास देखें तो पी एच सी ट्रिपल बॉन्ड एन इसकी रिएक्शन किस साथ करा रहे, सी एच थ्री एम जी आई के साथ में रिएक्शन करा रहे, ठीक है, एच थ्री ओ प्लस। तो जब भी कभी साइनोहाइड्रिन के साथ में ग्रिग्नार्ड एजेंट की रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। और आपको डायरेक्टली कैसे बनाना है कीटोन, कि ये जो कार्बन है जिससे ये पी एच जुड़ा हुआ है वहाँ पर आप सी डबल बॉन्ड ओ लगाएंगे, यानी यहाँ पर पी एच सी डबल बॉन्ड ओ और इसके साथ जो एल्काइल ग्रुप होगा सी एस थ्री उसको यहाँ पर अटैच कर देंगे। यदि आपको मैकेनिज्म नहीं देखनी है और डायरेक्टली यदि इसको करना है, तो यहाँ पर भी अपने पास देखें तो प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, एसिटोफिनोन का फॉर्मेशन हो रहा है। अपन इसकी मैकेनिज्म भी देख लेते हैं, मैकेनिज्म कैसे देखेंगे इसकी, ये देख लीजिए, हमारे पास सबसे पहले क्या दिया हुआ है, पी एच सी ट्रिपल बॉन्ड एन, इस पर अटैक कराएंगे सी एस थ्री एम जी आई से सी एस थ्री माइनस आ जाएगा, इसका अटैक होगा यहाँ पर और ये बॉन्ड इधर चला जाएगा, तो बन क्या जाएगा, पी एच सी सी एच थ्री डबल बॉन्ड एन माइनस, ठीक है। अब डबल बॉन्ड एन माइनस हो गया जो कि अपने पास एसिडिक एच प्लस जो है उससे एच ले लेगा, यहाँ से एच प्लस लेके क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा पी एच सी डबल बॉन्ड एन एच सी एस थ्री, ठीक है। अब इस पर आप क्या करेंगे, एच टू ओ का अटैक कराएंगे। अब एच टू ओ का अटैक कहाँ पे होगा, इस कार्बन पे अटैक होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास मॉलिक्यूल बन जाएगा पी एच सी सी एस थ्री एन एच माइनस, और यहाँ पर देखें तो क्या है, यहाँ पे ओ एच टू प्लस, ठीक है। ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज को उठाना है तो एच प्लस यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये एच प्लस कहाँ चला जाएगा, इस एन माइनस
एनएच माइनस एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो हमारे पास फाइनली क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा पी एच सी सी एच थ्री एन एच टू यहाँ पर ओ एच, ठीक है। अब एक कार्बन पर ओ एच और एन एच टू ग्रुप है तो हाईली अनस्टेबल है, अपन क्या करेंगे ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा और यहाँ से यहाँ पे ये लीव करेगा, तो यहाँ से एन एच टू माइनस के साथ में ये वाला एच प्लस भी ले जाएगा और क्या रिलीज होगी, यहाँ पे अमोनिया का रिलीज होगा, तो अमोनिया रिलीज हो जाएगी और हमारे पास क्या बन जाएगा पी एच सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे हाइड्रोजन क्यों रिमूव हुआ क्योंकि ऑक्सीजन से पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज जो आएगा लोन पे डोनेशन के बाद में उसको रिमूव करने के लिए एच प्लस यहाँ से रिमूव कर देंगे और हमारे पास यहाँ पर सी एच थ्री बच जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो एसिटोफिनोल है। अब इसकी फर्दर रिएक्शन क्यों नहीं हो रही है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के साथ, क्योंकि अपन ने ग्रिग्नार्ड यहाँ पर इंटरमीडिएट स्टेज में क्या कर लिया, वाटर यूज कर लिया, जिससे अपने पास जो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्यों, क्योंकि अपने पास यदि आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किसके साथ करा दे, वाटर के साथ करा दे, तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, सी एच थ्री माइनस एसिडिक एच को ले लेगा और क्या मिलेगा मिथेन गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ये अब अवेलेबल नहीं है किस पे अटैक करने के लिए, कीटोन पे अवेलेबल अटैक करने के लिए, इसलिए हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कीटोन ही बना रह जाता है। इसलिए हमारे पास यहाँ पे तीनों जो रिएक्शन है इनमें मेजर प्रोडक्ट जो बन रहा है वो एसिटोफिनोन ही बन रहा है, इसलिए आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। यहाँ पर हमारे पास बेंजीन दिया गया, एल्कीन और एसिडिक मीडियम में हीट दिया हुआ है, तो कौन सी रिएक्शन होगी यहाँ पे, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन सबसे पहले जो रिएक्शन होगी फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होगी। अब इसमें रिएक्शन कैसे होगी कि हमारे पास जो एल्कीन है इससे एच प्लस के साथ में रिएक्शन करके ये कार्बोकोटाइन का फॉर्मेशन करेगा, यानी यहाँ पर एच थ्री फोर जो एसिड है उससे एच प्लस मिला और इससे कार्बोकोटाइन का फॉर्मेशन हो गया। कार्बोकोटाइन अपने पास क्या मिलेगा, कार्बोकोटाइन अपने पास ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। इसके आप रिएक्शन कराएंगे बेंजीन रिंग के साथ जो अपने पास सी एच सिक्स एच सिक्स दिया हुआ है और यहाँ पर फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो जाएगा, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और हमारे पास क्या बन जाएगा ये अटैच हो जाएगा, तो अटैच होने के बाद में जो बनेगा वो क्या बनेगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये मॉलिक्यूल इस तरह से अपने पास मिल जाएगा, इसे क्या कहते हैं अपन आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन या इसको एक और नाम से बोलते हैं क्या क्यूमीन, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट ए है। अब इस प्रोडक्ट ए की रिएक्शन आप करा रहे हैं ओ टू हीट के साथ, देन एच थ्री ओ प्लस की प्रेजेंस में हीट करेंगे, तो यहाँ से अपने पास में जो रिएक्शन होगी वो होगी कमर्शियल मेथड फॉर फिनॉल प्रिपरेशन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले आइसोप्रोपाइल बेंजीन आपने लिया, आइसोप्रोपाइल बेंजीन का इस तरह से स्ट्रक्चर है सी एस थ्री, ठीक है। ओ टू हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे इंसर्शन रिएक्शन होगी और इंसर्शन में क्या होगा ये ओ टू इस कार्बन एच के बीच में इंसर्ट हो जाएगा और एक हाइड्रोपरोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। तो हाइड्रोपरोक्साइड का फॉर्मेशन कैसे हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर ओ ओ एच, ठीक है, और यहाँ पर ये सी एच थ्री है, इसी के साथ इस कार्बन पे देखें तो ये भी सी एच थ्री है, तो ये क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। इस क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड अपने पास इसको लिख लीजिए क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड, इसमें अब अपने पास H3O+ यानी H+ के केस में क्या होगा प्रोटोनेशन कराएंगे, तो प्रोटोनेशन अपन इसका करा देंगे तो OH2+ का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा CH3CCH3 यहाँ पर बेंजीन रिंग, ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ ही यहाँ पे O OH2+। अब हमारे पास ये जो OH2+ है ये रिमूव होगा, इसके साथ साथ क्या होगा कि ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पे से कोई भी एक ग्रुप माइग्रेट होगा जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है, तो अपने पास यहाँ पर फेनिल रिंग का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है इसलिए फेनिल माइग्रेट होगा इस तरह से और ये OH2 वाटर एज ए लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फेनिल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मिथाइल से ज़्यादा, जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा वही यहाँ पर माइग्रेट होगा, ठीक है। तो हमारे पास पी एच का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सी एच थ्री से ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ पर वाटर रिमूवल के बाद में सी एच थ्री सी सी एच थ्री यहाँ पर कार्बोकोटाइन बन जाएगा क्योंकि यहाँ से ये बॉन्ड पेयर लेके ये माइग्रेट हो रहा है, इसी के साथ ऑक्सीजन और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा यहाँ पर पी एच आके जुड़ जाएगा, ठीक है। अब जो ये वाटर रिमूव हुआ था यहाँ से वाटर रिमूव हुआ तो यही वाटर वापस क्या करेगा इस पर अटैक कर देगा जो कार्बोकोटाइन है एज ए न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर अटैक किया तो क्या बन जाएगा यहाँ पर बन जाएगा सी एच थ्री सी सी एच थ्री यहाँ पर ओ एच टू प्लस, ठीक है, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा हुआ है तो हमारे पास यहाँ पर इस तरह से बना है, ठीक है। ऑक्सीजन ने पॉजिटिव चार्ज को उठाना है तो यहाँ से H+ को डोनेट कर देगा और ये H+ कहाँ चला जाएगा ये इसके लोन पेयर इसको
अटैक कर लेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा सी एच थ्री सी सी एच थ्री ओ एच, ठीक है, और ऑक्सीजन पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज को हटाना है तो अपन क्या करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है, तो ये बॉन्ड पेयर अपन ब्रेक करेंगे। ये बॉन्ड पेयर ब्रेक होगा कब, जब अपने पास एक बॉन्ड और बन रहा हो, तो ये बॉन्ड इधर से भी बन रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से बॉन्ड बनेगा, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज को हटाएंगे तो एच प्लस यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेंगे उसमें हमारे पास क्या क्या बन जाएगा, उसमें बन जाएगा अपने पास सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री, ये तो एसीटोन बन गया, और एक अपने पास क्या बनेगा, यहाँ से फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये अपना फिनॉल प्रिपरेशन का कमर्शियल मेथड होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि इसका इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसका जो बाय प्रोडक्ट एसीटोन हो रहा है वो भी काफ़ी यूजफुल प्रोडक्ट है, कि नेल पॉलिश रिमूवर में इसका यूज़ करते हैं। तो हमारे जो फाइनल प्रोडक्ट बी और सी है वो ये बनेंगे। तो कौन से ऑप्शन में मैच कर रहे हैं, फिनॉल एंड एसीटीन एसीटोन हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट होंगे बी एंड सी, तो करेक्ट आंसर जो हो गया यहाँ पर वो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H10O ऑन बीइंग हीटेड विद I2 एंड डाइल्यूट NaOH गिव्स अ येलो PPT, द एक्सपेक्टेड कंपाउंड इज। तो हमारे पास कोई भी कंपाउंड है C8H8O, ठीक है, C8H10O, इसकी I2 प्लस NaOH के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास येलो PPT मिल रहा है। तो येलो PPT किसका मिलता है, आयोडो फॉर्म का मिलता है, CHI3 येलो PPT, ठीक है। तो येलो PPT आयोडो फॉर्म का मिल रहा है, तो ये कौन सी रिएक्शन होनी चाहिए, ये होनी चाहिए आयोडो फॉर्म रिएक्शन। आयोडो फॉर्म रिएक्शन कब कब हो सकती है, जब हमारे पास वहाँ पर मिथाइल कीटो ग्रुप प्रेजेंट हो, या अपने पास CH3CHOH ये ग्रुप प्रेजेंट हो, जब ये दो ग्रुप प्रेजेंट होंगे तभी वहाँ पर आयोडो फॉर्म रिएक्शन हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। तो अपन को यही ग्रुप यहाँ पर आइडेंटिफाई करने हैं। तो हमारे पास देखिए पहले ऑप्शन में यहाँ पर कुछ भी नहीं है ऐसा, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में नहीं, पर डी ऑप्शन में देखिए, तो डी ऑप्शन में हमारे पास ये, इसको आप यदि लिखते हैं PH CH OH CH3, ठीक है। तो यहाँ से अब इसकी रिएक्शन आप I2 विद NaOH के साथ में करेंगे, तो ये जो कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन से अपने को आयोडो फॉर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा CHI3, और अपने पास ये जो है ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी पीएच सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस एन ए प्लस, ठीक है। तो केवल एकमात्र डी ही ऐसा कंपाउंड है जिसमें आयोडो फॉर्म रिएक्शन हो सकती है, तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 94, द प्रोडक्ट बी ऑफ द रिएक्शन इज, इनिशियली हमारे पास यहाँ पर देखिए हैलाइड दिए हुए, एक हैलाइड में हमारे पास यहाँ पर क्लोरीन रेजोनेंस में, और ब्रोमीन हमारे पास यहाँ पर एलिफेटिक पोजिशन पे, और मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन हो रहे हैं, तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनेगा, यानी यहाँ पे मैग्नीशियम रिएक्शन कराएंगे आप, तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट कौन सा बनेगा, यहाँ पर ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनेगा CH2Br, ठीक। ऐसा क्यों, क्योंकि अपन इसकी मैकेनिज्म अनसर्टेन होती है, बट अपन ने प्रपोज्ड मैकेनिज्म जो मानते हैं वो मानते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में आप देखें तो क्लोरीन को यदि आप रिमूव करके फ्री रेडिकल बनाते हैं तो बेंजीन पे फ्री रेडिकल कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। और यदि आप इसको रिमूव करके अपने बीआर को रिमूव करके फ्री रेडिकल बनाते हैं तो ये बेंजाइलिक फ्री रेडिकल बनता है। तो दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, ये ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल, दैट मीन्स हमारे पास जो फ्री रेडिकल बनेगा इंटरमीडिएट स्टेज में वो ये वाला बनेगा, और फिर इससे क्या जुड़ जाएगा, इससे आके मैग्नीशियम आके लिंक अप हो जाएगा, मैग्नीशियम यहाँ से और बीआर डॉट यहाँ से, एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर इनको देके MgBr का फॉर्मेशन कर लेगा, यानी हमारे पास यहाँ पर जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनेगा वो इस तरह से बनेगा CH2MgBr। उसका रीजन आपको समझ में आ गया कि बेंजाइलिक पोजीशन पर फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, ठीक है, ये बेंजाइलिक पोजीशन होती है, बेंजाइलिक, ठीक है। इसके बाद अपन किस से रिएक्शन करा रहे हैं, इसकी CH3CHO के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, तो CH3CHO के साथ में इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास ये कार्बेनियन की तरह एक्ट करेगा, और कहाँ पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, ये यहाँ पे अटैक करेगा और बन क्या जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा CH3CHO- इसी के साथ CH2 और ये बेंजीनिंग इस तरह से क्लोरीन, जिसका आप हाइड्रोलिसिस कर देंगे। अब फाइनल हाइड्रोलिसिस में हमारे पास यदि कोई रिमेनिंग ग्रिगनार्ड रिएजेंट है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट एल्कोहल के फॉर्म में मिल जाएगा CH3CHOH, ये एसिडिक एसिड ले लेगा O- H3O+ से CH2, ठीक है। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बी जो है ये होगा, जो कि कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है ये चेक करते हैं, CH3CHOH CH2, ऑप्शन बी हमारा मैच कर रहा है, इसलिए आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, कंसिडर द फॉलोइंग सिक्वेंस ऑफ री। तो हमारे पास सबसे पहले देखिए यहाँ पे ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ NaHCO3, तो सोडियम बाई सल्फाइड यहाँ पे सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर रहा है। इसकी ये किसकी रिएक्शन यहाँ पे होता है? पर हाइड्रोक्सीलेशन। ठीक है, पर हाइड्रोक्सीलेशन से क्या मतलब है कि हमारे पास कभी भी कोई एल्कीन दिया होगा, CH2 डबल बोन CH2 एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके आप ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ NaHSO3 जो कि सॉल्वेंट है। तो हमारे पास सिन एडिशन रिएक्शन होगी, क्या बन जाएगा? इन दोनों एल्कीन से OH ग्रुप 1-2 पोजिशन पर अटैच हो जाएंगे, जैसे कि आप कोल्ड डायल्यूट एल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में भी करते हैं। यानी सेम ही रिएक्शन अपने किस में होती है? कोल्ड डायल्यूट KMnO4, यानी इसे आप क्या बोलते हैं? बेयर्स रिएजेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों ही केस में सेम रिएक्शन होगी और सिन एडिशन मैकेनिज्म होगी। तो अपने पास यहाँ पर क्या होगा? इस बॉन्ड को आप जो पाई बॉन्ड है इसके साथ यहाँ पर परहाइड्रोक्सीलेशन होगा, बेंजीन के साथ में रिएक्शन नहीं होगी, तो कोई भी पाई बॉन्ड वहाँ पर ब्रेक नहीं होगा। तो हमारा जो ए प्रोडक्ट है, ए प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पर? ए प्रोडक्ट अपने पास यहाँ पर सिंपल बेंजीनिंग तो वैसे वैसे ही रहेगा, जो ये बना है इसके साथ ये CH3 यहाँ पर है, इस कार्बन से OH और इस कार्बन से OH, सिन एडिशन मैकेनिज्म होगी। ठीक है, इसके बाद अपन ने क्या है? HIO4 जो कि क्या है? पराआयोडिक एसिड। पराआयोडिक एसिड के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन किस तरह से होता है कि HIO4 के साथ में ऑक्सीडेशन के लिए क्या होना चाहिए कंडीशन? कि हमारे पास ग्रुप्स, दो कार्बोनिल ग्रुप इंडिविजुअली एक साथ हो, या दो एल्कोहल एक तरफ हो। ठीक है, या हमारे पास किस तरह से हो? एक कार्बोनिल और एक एल्कोहल ग्रुप, इस तरह के यदि कॉम्बिनेशन होंगे तब आप HIO4 के साथ में ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। और इसमें आपको कितना सा ध्यान रखना है कि जितनी बार बॉन्ड ब्रेक करेंगे आप, ठीक है, उतनी बार क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, उतनी बार ऑक्सीडेशन। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग आप समझ लीजिए कि हमारे पास कोई एग्जांपल यदि हमने ले लिया कि हमारे पास देखिए CHO यहाँ पर OH, H, H, OH, H, OH, CH2OH, ठीक है, इसकी मैंने पराआयोडिक एसिड के साथ में रिएक्शन कराई HIO4 के साथ, तो बॉन्ड ब्रेक करूंगा क्योंकि C डबल बॉन्ड और OH 1-2 पोजीशन पे, तो ये वाला एक बॉन्ड ब्रेक किया। दैट मींस यहाँ पर जो CHO है उसके लिए एक बार ही बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो CHO एक बार ऑक्सीडेशन होगा, क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड HCOOH। बट यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है इसके लिए देखें तो यहाँ पर एक बार तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो यानी ये अल्कोहल किस में कन्वर्ट होगा? एल्डिहाइड में। फिर एक और बार बॉन्ड ब्रेक हो रहा है यहाँ पर, यानी एसिड में, तो यहाँ से भी अपने को क्या मिल जाएगा? फॉर्मिक एसिड मिल जाएगा। फिर अपने सिमिलरली नीचे वाला देखेंगे तो यहाँ पर भी दो बार बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ से भी फॉर्मिक एसिड ही मिलेगा। फिर अपन देखें तो यहाँ पर देखें तो इसके लिए भी सेम ही मिलेगा, तो यहाँ पर भी फॉर्मिक एसिड का ही फॉर्मेशन हो रहा है। फिर लास्ट में अपन देखें जो CH2OH बचा है ये सिर्फ एक बार ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, एक ही बार बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये HCHO बन जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया कि पराआयोडिक एसिड के साथ में रिएक्शन कैसे करानी है? तो सिमिलरली यहाँ पर लगानी है, तो सिमिलरली आप यहाँ पर करेंगे तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे HIO4 के साथ में रिएक्शन कराने के लिए, और हमारे पास क्या बन जाएगा बॉन्ड ब्रेक करने के बाद? बॉन्ड ब्रेक करने के बाद हमारे पास इस तरह से कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, ये इस कार्बन पे टर्मिनल पोजिशन पे, तो यहाँ पे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा CHO, और यहाँ पर हमारे पास क्या है? ये टर्मिनल पे नहीं है, ये नॉन टर्मिनल साइड है, तो यहाँ पे कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसकी रिएक्शन आप करा रहे हैं NaOH विद हीट के साथ, NaOH विद हीट की प्रेजेंस में, जबकि अल्फा एच यहाँ पर प्रेजेंट, तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन के लिए आपको इसको अरेंज अच्छे से करना पड़ेगा, कि आपको किस तरह से अरेंज करना पड़ेगा इस मॉलिक्यूल को, आपको इस मॉलिक्यूल को इस तरह से अरेंज करना है। ठीक है, यहाँ पर इस मॉलिक्यूल को आप इस तरह से अरेंज करिए कि CH डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहाँ पर अपन देखें तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर CH H2, ठीक है, तो यहाँ से सिंपली वाटर का रिमूवल हो जाएगा एल्डोल कंडेंसेशन से, यानी NaOH हीट के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, पर ये सिमिलर ही मॉलिक्यूल है। ठीक है, NaOH हीट के साथ में रिएक्शन करा रही, कंप्लीट मैकेनिज्म की बजाय आप इस डायरेक्ट ट्रिक को यूज कर सकते हैं कि अल्फा पोजीशन पे जो है और वाटर को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? यहाँ पर CH यहाँ पे लगा हुआ है CH2, ठीक है, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा जो कि फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक है, यहाँ से वाटर रिमूवल किया आपने तो यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, जो कि कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है? ऑप्शन सी से मैच कर रहा है, इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, फॉर द रिएक्शन द प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड इज,
तो अपने पास यहाँ पर देखिए एक एनहाइड्रेट दिया हुआ है, उसकी एम ई एम जी बी आर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो पहला एक मोल एम ई एम जी बी आर इस पर अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होकर वापस बैक आएगा तो हमारे पास ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इससे क्या होगा कि हमारे पास प्रोडक्ट जो बन जाएगा वो हमारे पास बन जाएगा फर्स्ट वन मोल से कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी सी डबल बॉन्ड हो इससे सी एस थ्री जुड़ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास देखें तो सी डबल बॉन्ड हो ओ माइनस बच जाएगा। फिर आप सी एस थ्री एम जी बी आर की रिएक्शन कराएंगे, तो आप सी एस थ्री एम जी बी आर की रिएक्शन अटैक करने के लिए दो साइट है, एक तो एसिडिक सी डबल बॉन्ड ओ वाला ग्रुप है और एक कीटोन है, तो अपने पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फास्टर होती है इसलिए अटैक इसी पर होगा। ठीक है कि हमारे पास जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी कार्बोनिल कंपाउंड्स के केस में वो फास्ट होगी किससे, एस एन टू टी एच रिएक्शन से। इसलिए अपन किस पे अटैक कराएंगे, कार्बोनिल कंपाउंड यानी कीटोन पे अटैक कराएंगे दूसरे मोल का भी। तो अटैक कराने के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, इसमें हमारे पास बन जाएगा यहाँ पर एक और सी एस थ्री ग्रुप इससे आके लिंक हो जाएगा और ये बन जाएगा कार्बन ओ माइनस से। ठीक है और यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस, फिर आप इसको एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो फाइनल प्रोडक्ट अपने पास इस तरह से बन जाएगा CH3 CH3, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखें OH और यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो OH। ठीक है तो ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन D से मैच कर रहा है, इसलिए आंसर जो हो गया यहाँ पर वो जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, हाइड्रोजिनेशन ऑफ नेप्थलीन पी विद एक्सेस हाइड्रोजन गैस स्टॉप्स क्लीनली एट 1, 2, 3, 4 टेट्राहाइड्रो नेप्थलीन क्यू, व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। तो हमारे पास पहला स्टेटमेंट जो दिया गया है कि हाइड्रोजिनेशन ऑफ पी इज एक्सोथर्मिक, अपने पास हाइड्रोजिनेशन जो प्रोसेस होता है वो हमेशा ही क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। कि हमारे पास जैसे कि कोई भी एल्कीन है, एल्कीन का यदि आप हाइड्रोजिनेशन कराते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि ये दोनों हाइड्रोजन अटैच हो जाते हैं इस कार्बन कार्बन से। तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और दो कोवेलेंट बॉन्ड सी एच का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ओवरऑल जो हमारे पास एनर्जी होगी वो नेगेटिव में आएगी, यानी रिलीज एनर्जी होगी, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में अपने पास क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी और कोवेलेंट बॉन्ड एक पाई बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है बट हमारे पास यहाँ पर जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल दिया गया है इसमें कंडीशन दी गई है हमारे पास कि ये जो नेप्थिलीन है ये कन्वर्ट होकर केवल हमारे पास ये कंपाउंड बना रहा है, कम्प्लीटली हाइड्रोजिनेट यहाँ पर नहीं हो रहा है। ठीक है तो ये एक्सोथर्मिक नेचर से ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर कंक्लूड करना चाह रहा है, तो अपन उस कंक्लूजन को डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास देखिए कि सेकंड ऑप्शंस देखें, वन एरोमेटिक रिंग ऑफ पी इज मोर रिएक्टिव देन द एरोमेटिक रिंग ऑफ क्यू, कि अपने पास यहाँ पर जो पी है इसकी एक एरोमेटिक रिंग जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है देन क्यू। कि हमारे पास क्यू में और पी में क्या डिफरेंस है कि हमारे पास एक एक रिंग तो इनकी एरोमेटिक है, एक रिंग हमारे पास यहाँ पर एसाइक्लिक हो गई है कि इसमें पाई बॉन्ड नहीं है, एक में पाई बॉन्ड यहाँ पर है, तो यहाँ पर रिएक्टिविटी अपने को चेक करनी है। तो वो अपन रिएक्टिविटी किसके बेसिस पे देखते हैं, यहाँ पर एनिलेशन इफेक्ट के बेसिस पे, कि एनिलेशन इफेक्ट में क्या होता है वो अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि एनिलेशन इफेक्ट होता क्या है। इसका सिंपली आप मतलब समझ लीजिए शेयरिंग ऑफ एरोमेटिसिटी इन पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है तो हमारे पास यहाँ पर देखिए क्या मतलब हो रहा है इस चीज़ का कि हमारे पास जो बेंजीन रिंग होती है, ठीक है बेंजीन रिंग है उसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर अपने पास इस तरह से होता है, और यदि आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसकी बनाते हैं तो अपने पास कुछ इस तरह से इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकती है। ठीक है इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वो कितनी होती है, 36 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है इसी तरह से यदि अपन नेप्थलीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, नेप्थलीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वहाँ पर क्या है, दो बेंजीन रिंग है जो कि कंटिन्यूसली रेजोनेंस में, तो यहाँ पर इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू बेंजीन रेजोनेंस एनर्जी वो डबल होनी चाहिए, यानी 36 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज 72 किलो कैलोरी पर मोल होनी चाहिए। ये हमारी क्या है, थियोरटिकल है कि अपन ने थियोरटिकली एक्सपेरिमेंट बताया कि यदि बेंजीन रिंग की रेजोनेंस एनर्जी 36 है तो नेप्थिलीन कितनी होनी चाहिए, 72 होनी चाहिए, बट एक्सपेरिमेंटली जो अपन रेजोनेंस एनर्जी इसकी कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेरिमेंटली रेजोनेंस एनर्जी जो कैलकुलेट करते हैं वो कितनी आती है, वो 61 किलो कैलोरी पर मोल आती है। तो हमारे पास ये जो डिफरेंस आ रहा है 11 किलो कैलोरी का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस ऑफ एनर्जी अपने पास कहाँ पे यूज़ हो गया, वो किससे अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं, एनिलेशन इफेक्ट से। कि हमारे पास हो क्या रहा है यहाँ पर कि ये जो एक्स्ट्रा बेंजीन इनके साथ रेजोनेंस में है, हमारे पास यहाँ पर ये सिंपल एक बेंजीन रिंग था, तब इसकी रेजोनेंस एनर्जी क्या थी, 36 किलो कैलोरी,
बट यहाँ पर हमारे पास में जैसे ही आपने दो पाई बोन्ड ऐड कर दिए तो एक और एरोमेटिक रिंग बन गई। तो इस एरोमेटिक रिंग के एरोमेटाइजेशन में एक्स्ट्रा एनर्जी का यूज़ हो गया, तो यहाँ पर रेजोनेंस एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इस रेजोनेंस एनर्जी के कम होने की वजह से क्या हो जाएगा कि यहाँ पर आप यदि रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग, जैसे यहाँ पे अपने को क्या बोला गया था, वन एरोमेटिक रिंग को कंसिडर करना है, तो यहाँ पर एक बेंजीन रिंग की रेजोनेंस एनर्जी 36 दी गई है, तो यहाँ पर क्या होगा, रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग कितनी हो जाएगी, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन 61 है, तो 61/2 विच इज 30.5 किलो कैलोरी पर मोल, यानी अपने पास बेंजीन रिंग से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्टेबिलिटी के, कि अपने पास यदि जितनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी, क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी रिलीज्ड एनर्जी होती है, तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पर जो बेंजीन स्ट्रक्चर है वो नेप्थलीन स्ट्रक्चर से यदि पर रिंग पे कंसिडर करते हैं आप तो ज़्यादा स्टेबल होगा हमारे पास, यानी पर रिंग पे आपने एनालिसिस किया तो ये क्या होगा, मोर स्टेबल। इसका मतलब क्या है, ये लेस रिएक्टिव है। तो हमारा जो स्टेटमेंट क्यू है, बी है, वन एरोमेटिक रिंग ऑफ पी इज मोर रिएक्टिव, कि हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये लेस रिएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इसकी रेजोनेंस एनर्जी एक्सपेरिमेंटली क्या आ रही है, पर रिंग कम आ रही है, तो यानी ये मोर रिएक्टिव हो जाएगा। इसकी एक वन एक बेंजीन रिंग जो होगी वो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगी और उसी का ही हाइड्रोजनेशन होगा, और रिमेनिंग जो हो जाएगी उसका नहीं होगा हाइड्रोजनेशन। ठीक है, जो अपने को यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में दिया गया, ठीक है, इस बेसिस पे हमारा जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, सजेस्ट द बेस्ट रिएक्शन कंडीशन फॉर द सिंथेसिस शोन बिलो। तो अपने पास यहाँ पर देखिए बेंजीन से एक NO2 ग्रुप और एक BR ग्रुप जो कि मेटा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, यानी पहले अपन नाइट्रेशन करा दें, नाइट्रेशन के लिए अपन एसिड मिक्सचर ले लेंगे HNO3 प्लस H2SO4, ये पहला रिएजेंट है जिससे नाइट्रेशन हो जाएगा। देन अपन क्या ले लेंगे, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3 या FeCl3 कुछ भी। ठीक है, तो अपने पास सबसे पहले अपन देखें कैसा कौन सा कम्बिनेशन दिया हुआ है, तो हमारे पास यहाँ पर देखिए ये डी ऑप्शन, ये वाला कम्बिनेशन ठीक है, कि हमारे पास सबसे पहले बी रिएक्शन आपने कराई HNO3 प्लस H2SO4, तो ये हो जाएगी नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन में क्या होता है कि ये जो मिक्सचर है ये अपने को क्या प्रोवाइड करेगा, NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन, और यहाँ पर NO2 ग्रुप आकर अटैच हो जाएगा, NO2 ग्रुप अटैच हो गया। अब हमारे पास क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पे Br2 FeBr3, अब यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, यहाँ से अपने को Br2 FeBr3 से Br3 कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। अब ये मेटा डायरेक्टिव है क्योंकि ये माइनस एम ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिव, तो अब कमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ लेके जाएगा, मेटा पोजिशन पर लेके जाएगा, तो NO2 के मेटा पोजिशन पर आप Br को अटैच कर देंगे जो कि अपने को डिजायर्ड प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो हमारे पास इस कन्वर्जन के लिए बेस्ट सेट ऑफ रिएजेंट्स है ऑप्शन डी में। ठीक है, नेक्स्ट है 98 बोला गया इन द अबव कंपाउंड क्लोरीन विल लिबरेटेड इजीली इन द फॉर्म ऑफ। तो हमारे पास यहाँ पे जो क्लोरीन है वो किसके फॉर्म में लीव करेगा, यहाँ पर क्लोरीन माइनस के फॉर्म में लीव करेगा। क्यों, क्योंकि क्लोरीन माइनस के फॉर्म में जैसे आप लिबरेट करोगे तो हमारे पास कैसा मॉलिक्यूल बनेगा, हमारे पास ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से बन जाएगा, यहाँ पर कार्बोकैटायन और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी ये थ्री मेंबर रिंग है, यहाँ पर भी थ्री मेंबर रिंग है। ठीक है, यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है ये एरोमेटिक हो जाएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से, और ये जो पॉजिटिव चार्ज ये तीनों साइड पे रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर तीनों कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा थ्रू रेजोनेंस। और हमारे पास यहाँ पर आउटर मोस्ट पे देखें तो यदि ये देखें साइक्लोप्रोपिल मिथाइल कार्बोकैटायन है जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ डांसिंग रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस की वजह से ये भी स्टेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कंटिन्यूसली जब रेजोनेंस कराएंगे तो हमारे पास क्या होगा, आप इस स्ट्रक्चर को इस तरह से मान लीजिए कि हमारे पास इसके आप एक और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाए, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, पाई बॉन्ड अपने पास अब यहाँ पे आ जाएगा। तो ये तीनों के तीनों जो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन है इनकी वजह से भी यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबिलिटी अपने को मिल रही होगी, इसलिए यहाँ पर Cl जो है वो माइनस के फॉर्म में ही निकलेगा, तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 100, कंसिडर द फॉलोइंग सिक्वेंस ऑफ रिएक्शन। अपने पास इनिशियली क्या दिया हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है, pH C डबल बॉन्ड O OH, इसकी PCl5 के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, तो PCl5 के साथ में आप रिएक्शन कैसे कराएंगे, यहाँ पर Cl PCl3 Cl। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर pH C डबल बॉन्ड O Cl। ठीक है, और POCl3 और HCl अलग से निकल जाएंगे। अब PO PHCOCl की रिएक्शन किस साथ करा रहे हैं, अमोनिया के साथ में करा रहे हैं,
तो अमोनिया क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर रिवर्स जाएगा तो सी एल लीव कर जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, एमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, पी एच सी डबल बॉन्ड एन एच टू। ठीक है, इसके बाद अपन ने लिया पी फोर ओ टेन और हीट किया, तो पी फोर ओ टेन अपने पास क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करेगा, वाटर का रिमूवल करेगा, वाटर का रिमूवल यहाँ से हो जाएगा तो हमारे पास एमाइड से क्या मिल जाएगा, साइनाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, पी एच सी ट्रिपल बॉन्ड एन। इसका आप हाइड्रोजनेशन कराएंगे, ठीक है, तो हाइड्रोजनेशन आप कराएंगे तो हमारे पास साइनाइड से क्या बन जाएगा, सी एच टू एन एच टू, पी एच सी एच टू एन एच टू। ठीक है, इस मॉलिक्यूल को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, अपने पास बेंजीनिंग है और ये सी एच टू एन एच टू, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये तो बेंजाइल ग्रुप है और ये एमाइन, यानी ये नाम हो जाएगा इसका बेंजाइल एमीन। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होपफुली दिस वीडियो सॉल्यूशन सीरीज हेल्प्ड यू आउट टू क्लियर योर डाउट्स। गिव दिस वीडियो ए थम्स अप इफ इट इज यूजफुल फॉर यू। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, मेक श्योर टू क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.